यहाँ पर फोर्स न्यूज़ ने रिलीज ऑफ 11 बिलकिस बानो कन्विक्ट्स एनएचआरसी टू डिस्कस ऑन मंडे तो बिलकिस बानो के जो कन्विक्ट्स को रिमिशन दी गई है तो उसको लेकर यहाँ पर एनएचआरसी डिस्कशन करेगी एनएचआरसी किसी भी केस में अगर कंप्लेंट्स हैं कि ह्यूमन राइट्स वोल्यूशन हुए हैं तो एनएचआरसी यहां पर इन्वेस्टिगेशन कर सकता है सुओ मोटो भी कर सकता है सुओ मोटो का मतलब होता है ऑन इट्स ओन द एनएचआर सी हैज पावर्स टू इन्वेस्टिगेट एनी कम्प्लेन्ट्स रिलेटेड टू ह्यूमन राइट्स इधर सो मोटो ऑन एन और आफ्टर रिसीविंग अ पटीशन की यहाँ पर एन एच आर सी को इंटरवीन करना चाहिए क्योंकि इस केस में ह्यूमन राइट वॉलिएशन हुए हैं इफ़ इट डिसाइड्स जो एन एच आर सी है वो यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट से रिपोर्ट भी मांग सकता है और यहाँ पर जो एन एच आर सी है वो लीगल और फाइनेंशियल असिस्टेंस भी विक्टिम को प्रोवाइड कर सकता है टू चैलेंज द गवर्नमेंट डिसीजन बिफोर द कोर्ट तो जो यहाँ पर रमेशन दिया गया है इस डिसीजन को कोर्ट के सामने चैलेंज करने के लिए जो एन है वो यहाँ पर विक्टिम को इन दिस केस बिलकिसबानों को लीगल और फाइनेंशियल असिस्टेंस भी प्रोवाइड कर सकता है तो एन के पास पावर है इन्वेस्टिगेट करने की उन केसेस को जिसमें कम्प्लेंट्स है कि इस केस में यहाँ पर ह्यूमन राइट वॉल्यूशन हुआ है एन एच आर मोटो भी कर सकता है और यहाँ पर दूसरा तो रूट होता है पिटीशन के थ्रू तो सुओो मोटो का मतलब होता है ऑन इट्स ओन सेकेंड न्यूज़ है आई यूके गल्फ कंट्रीज एंड इजिप्ट अमंग सेवन लोकेशन ऑन आई आई टी एक्सपेंशन लिस्ट तो इंडियन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ब्रांड के लिए यहाँ पर कुछ आई आई टीज खोले जाएंगे गल्फ कंट्रीज में यूके इजिप्ट ये अभी कुछ प्रोस्पेक्टिव लोकेशन है अभी यहाँ पर डिसाइड नहीं हुआ है फाइनल डिसीजन अभी नहीं लिया गया है अब कम अच्छी सेटअप बाई द सेंटर फॉर द ग्लोबल एक्सपेंशन ऑफ आई आई टीज हैज़ इन कंसल्टे विद इंडियन मिशन अब्रॉड आइडेंटीफाइट यू के यू ए ई एजिप्टऊदी अरेबिया कतर मलेशिया एंड थाईलैंड एस प्रोस्पेक्टिव लोकेशन फॉर ऑफ शोर कैंपस अंडर द इंडियन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आई आई टी डेली प्रेफर्ड बाई यू ए ई सऊदी अरेबिया इजिप्ट मलेशिया अब बेसिकली इससे जो इंडिया की ब्रांड है वो बनती है जो इंडिया की ब्रांड इमेज है वो बनती है तो ये हमारा मेन पर्पज़ है हमारे यहाँ पर मेन पर्पज कॉमर्स नहीं है तो ये बात भी यहां पर बताई गई है कि हमारा मेन पर्पस कॉमर्स नहीं है तो इंस्टिट्यूट्स आर बीइंग एस्टैब्लिड नॉट फॉर कॉमर्स फॉर बिल्डिंग द इमेज ऑफ द कंट्री अब्रॉड तो इंडिया की इमेज को बनाने के लिए यहाँ पर आ का एक्सपेंशन किया जाएगा देयर फॉर दीज इंस्टीट्यूट शुड गेटेड लोकल स्टूडेंट पॉपुलेशन द कमिटी हैज़ फॉर द फर्स्ट टाइम प्रपोज अ मॉडल अंडर विच अ चेन ऑफ इंस्टीट्यूशन जो कि सेटअप की जाएगी अंडर द इंडियन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ब्रांड और यहाँ पर जो डोमेस्टिक आई आई टीज होंगे वो यहाँ पर मैंटर्स का रोल प्ले करेंगे नेक्स्ट जम्मू एंड कश्मीर में ट्वेंटी फाइव लाख न्यू वोटर्स एड हुए हैं ऐसी कुछ न्यूज़ आई थी उसके बाद ये कहा गया कि ट्वेंटी टू लाख न्यू वोटर्स एड हुए हैं अब यहाँ पर वोटर्स इंक्रीज़ कैसे हो गया तो बेसिकली यहाँ पर कुछ लोग होंगे जिनकी एज एटीन इयर्स हो चुकी होगी तो वो यहाँ पर वोटर्स लिस्ट में इनरॉल हो गए होंगे दूसरी बात एक मेजर चेंज ये हुआ है कि आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद जो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है वो भी यहाँ पर वोट कर सकता है तो उससे पहले सिर्फ जो यहाँ पर परमानेंट रेसिडेंट थे वही वोट कर सकते थे सी ए ओ कुमार हैज ऑल्सो टॉक्ट ऑफ एडिशन इन द रोल्स नाउ ऑफ दोज ऑर्डीनरली रेजिडेंट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर दिस इज अ चेंज फ्राम बिफोर द एब्रोगेशन ऑफ़ आर्टिकल August 2019. जब यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर के पास स्पेशल स्टेटस था तब यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर में सिर्फ परमानेंट रेजिडेंसी सर्टिफिकेट्स वाले ही वोटर्स की तरह रजिस्टर हो सकते थे लेकिन अब यहाँ पर ऑर्डिनरली रेसिडेंट्स ऑफ जे वो भी वोट कर सकते हैं जिसकी वजह से यहाँ पर लगभग लग 22 लाख नए वोटर्स ऐड हो गए हैं अब हम चलते हैं आगे जेंडर रेशियो इन 18 टू 19 वोटर ग्रुप इन गुजरात वेरी लो फॉर एग्जांपल जो जेंडर रेशियो 18 टू 19 वोटर ग्रुप में है तो उसमें यह देखा गया जो फीमेल का एनरोलमेंट है वो बहुत ज़्यादा कम है तो बेसिकली जो फीमेल का एनरोलमेंट है अगर हम देखें तो हजार मेल वोटर्स हैं तो उनके कंपैरिजन में सिर्फ 660 फीमेल वोटर्स हैं तो देयर आर ओनली 660 फीमेल वोटर्स एंड दैट यंग फीमेल वोटर्स आर नॉट गेटिंग इन फिर यहाँ पर यह बताया गया कि जो डुप्लीकेट वोटर्स हैं उनको वीड आउट करने के लिए यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ किया जा रहा है एजुकेशन फैक्ट्रीज डी वैल्यू डिग्रीज ह्यूमन तो यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का यह कहना है हमें अपना एजुकेशन सिस्टम को ट्रांसफॉर्म करने की जरूरत है हमें ऐसे एजुकेशन सिस्टम बनाने की जरूरत है जो कि सोशल रिलेशनशिप के ऊपर फोकस करे और कॉन्शियस सिटीजनशिप के ऊपर फोकस करे तो अभी आप देखते हो कि बहुत सारे यहाँ पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स खुल गए हैं जिसकी वजह से जो डिग्री है डी वैल्यूएशन हो रहा है तो मशरूमिंग तो हमें अपना एजुकेशन सिस्टम को ट्रांसफॉर्म करने की जरूरत है मॉडल लाइफ चैलेंजेस को कैसे फेस करना है इट शुड एनेबल सोशल सोलिडारिटी और यहाँ पर ऐसे इंडिविजुअल्स बनाए जाए जो कि मीनिंगफुल मेंबर्स हों सोसाइटी के लिए तो एजुकेशन सिस्टम में क्या चेंजेस की जरूरत हो तो वहां पर आप एक दो स्टेटमेंट्स को यूज कर सकते हो आर्टिकल कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है एक आर्टिकल में यहां पर कुछ बेसिक फैक्ट्स मेंशन है जो कि हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट आर्टिकल आप देख सकते हैं विश ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर विल से तो यहां पर ऑथर का यह कहना है जो प्राइम मिनिस्टर की इंडिपेंडेंस डे स्पीच होनी चाहिए थी वो कैसी होनी चाहिए फॉर एग्जाम्पल यहां पर इनका यह कहना है कि प्राइम मिनिस्टर को डी के लिए सॉरी बोलना चाहिए था जीएसटी के लिए सॉरी बोलना चाहिए था तो इन द लास्ट स्टेज माई गवर्नमेंट हैज मेड मिस्टेक्स दैट हैव इकॉनमी तो पहली मिस्टेक हमसे डी की हो गई फिर यहां पर सेकंड मिस्टेक हमसे जीएसटी की हो गई तो ये बेसिकली इतना ज्यादा क्रिटिसज आपको एग्जाम में नहीं लिखना होता तो ये आर्टिकल हम डिस्कस नहीं करेंगे नेक्स्ट है शेम अब ऑथर को कभी कभी इंडियन सिटीजन होते हुए अशेम्ड फील होता है तो उसके यहाँ पर दो इंस्टांसिस बताए ऑथर ने तो पहला जब सलमान दशनी के ऊपर अटैक हुआ तो इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया उस अटैक को कंडेम करने के लिए दूसरी बात यहाँ पर बिल्कुल बानो के कन्विक्स को रमिशन दे दिया गया तो ये दो इंस्टांसिस जिसकी वजह से यहाँ पर ऑथर को शेम फील होता है नेक्स्ट है तमिल्स इन द मेनी वॉर्स ऑफ इंडिपेंडेंस प्री एटीन तो यहाँ पर वेलू नाचिया की बात की गई द फर्स्ट इंडियन क्वीन हु फॉट द ब्रिटिश वेलू नाचियस आर्मी कमांडर हु सेट हरसेल्फ अब्लेस तो बेसिकली ये यहाँ पर फर्स्ट ह्यूमन बॉम्ब बनाया गया था और ये यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी के ब्रिटिश का जो एम्यूनिशन था वहाँ पर एंटर कर जाती हैं अपने ऊपर आग लगाकर तो यहाँ पर ये फर्स्ट ह्यूमन बॉम्ब का केस आपको मिल जाता है तो वेलू नाचियर तो इनका नाम यहाँ पर मेंशन किया गया था जब ए,

कासिन सदन तमिलनाडु और इन्होंने यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी से ये कहा था कि एक भी ग्रेन आपको टैक्स दे रहे नहीं पे किया जाएगा फिर यहाँ पर माँवीरान ग्रेट वॉरियर मरुधना यागम की बात की गई है जो कि यहाँ पर गवर्नर ऑफ मदुरई भी थे और उन्होंने हैदर अली को भी एक वॉर में डिफीट किया था बैटल में डिफीट किया था सेवनटीन सिक्सटी फोर में इन्होंने ब्रिटिश को एक बैटल की गई जिसकी वजह से इनकी डेथ हो जाती है सेवनटीन सिक्सटी फोर में फिर यहाँ पर नेक्स्ट बात की गई है Kata Boman, and 18th century king of पंचलन कुरुचि इन तमिलनाडु इज अउसफोल्ड नेम इन द स्टेट सम वन हुज डेरिंग रेजिस्टेंस टू तो द ईस्ट इंडिया कंपनी और इन्होंने भी यहाँ पर टैक्स देने से मना कर दिया था इन्होंने कहा था अगर आपको डोनेशन चाहिए तो आप डोनेशन मांग सकते हो लेकिन हम आपको टैक्स नहीं देंगे फिर वेलू नाचियर हमने डिस्कस कर लिया यहाँ पर वलारीज की बात की गई वलारीस क्या होता है ट्रेडिशनल डेडली वेपन जो कि बूमरैंग की तरह होता है तो ये वलारीज एक ट्रेडिशनल डेडली वेपन होता है जो कि बूमरैंग की तरह होता है तो वालारिज पता होना चाहिए वेलू नाचियर द फर्स्ट इंडियन क्वीन जिन्होंने ब्रिटिश के अगेंस्ट यहाँ पर लड़ाई की थी और कुरीली बेसिकली कोयली जो कि यहाँ पर फर्स्ट ह्यूमन बॉम्ब की तरह जिन्होंने काम किया था फिर आपको यहाँ पर कटा बुमन पता होना चाहिए फिर पुलिथेवर पता होना चाहिए एंड मावीरन पता होना चाहिए अब हम चलते हैं आगे पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान टू हेल्प प्रिवेंट कॉस्ट ओवर तो प्रधानमंत्री गति शक्ति मास्टर प्लान विल हेल्प डेवलप द फ्यूचर इंफ्रास्ट्रक्चर इन अ प्लान मैनर जिसकी वजह से कॉस्ट ओवर कम होगी जो इंडिया की कॉस्ट कॉम्पटेटिवनेस है वो इंक्रीज होगी क्योंकि बेसिकली यहाँ पर लॉजिस्टिक कॉस्ट कम हो जाएगी अगर हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर होगा एंड बिसाइड सेविंग टैक्स पेयर्स मनी तो अगर यहाँ पर प्रोजेक्ट टाइम से कंप्लीट हो जाता है तो यहाँ पर जो टैक्स पेयर्स का मनी है वो भी यहाँ पर बचता है गुजरात बेस्ड भास्करचार्य इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स विच वर्कस टू इंप्लीमेंट मैप बेस्ड जियो स्पेशल इंफॉमेशन सिस्टम तो जी आई एस पी एम गतिशक्ति मास्टर प्लान के लिए जो डेवलप किया है वो यहाँ पर डेवलप किया गया है बाई द बिसाग एन भास्करचार्य इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स तो यहाँ पर जो मैप्स हैं उनको पूरी तरीके से इंटरकनेक्टेड किया गया है तो बेसिकली यहाँ पर बात की गई है कि हमें माइक्रो इंप्लीमेंटेशन कैसे करना है फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है कोई यहाँ पर एलिफ़ेंट रिज़र्व आ गया या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आ गई तो कैसे रूट को डाइवर्ट करना है इन सब के लिए पूरा प्लान रेडी कर लिया गया है गोयल ऑल्सो टॉक्ट अबाउट द नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम जिसके थ्रू जो इन्वेस्टर्स हैं वो आसानी से यहाँ पर रेगुलेटरी अप्रूवल्स ले सकते हैं फ्रॉम द सेंटर एंड द स्टेट फिर यहाँ पर ढोलेरा की बात की गई है तो ढोले अहमदाबाद के पास में एक प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है ही साइड स्मार्ट सिटीज लाइक द वन बींग डेवलप्ड एट ढोले नियर अहमदाबाद विल प्ले अ बिग रोल फॉर इन्वेस्टर्स कि वो गुजरात में आकर यहाँ पर इंडस्ट्रीज को सेट करें तो ढोलेरा की यहाँ पर बात की गई है नेक्स्ट है मून लाइटनिंग मून लाइटनिंग का क्या मतलब होता है कि आप अपनी रेगुलर जॉब के साथ कोई यहाँ पर पार्ट टाइम जॉब करो तो उसको ही यहाँ पर कहते हैं मून लाइटिंग तो कमेंटिंग ऑन पीपल टेकिंग अप साइड प्रोजेक्ट्स अलॉन्ग साइड देयर रेगुलर जॉब्स तो केस क्या है वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट ये मून लाइटनिंग का मतलब क्या है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट है ऊबर आइंक ऑस्ट्रेलिया स्टाइल पीयर टू पीयर गिग इन इंडिया तो यहाँ पर जो ऊबर है वो ऑस्ट्रेलिया में जो ऊबर का मॉडल है वो इंडिया में इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं लेकिन इसमें ये बताया है कि जो ऑस्ट्रेलिया का मॉडल है वो इंडिया में एज इट इज इंप्लीमेंट करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि फ्लेक्सीबिलिटी होनी चाहिए इंडिया में सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि अर्निंग्स होनी, होनी चाहिए तो ऊबर हैज़ कलेम दट इट्स कॉन्ट्रेक्चुअल ड्राइवर ओवर वेमन प्रेफर फ्लेक्सीबिलिटी ऑफ वर्क शेड्यूल मोस्ट ऑफ द राइट हेलिंग प्लेटफॉर्म्स ड्राइवर इन इंडिया रिपोर्टेली प्रायरिटाइज अर्निंग्स ओवर फ्लेक्सीबल वर्क ड्यूल तो अगर हम प्रायोरिटीज़ देखें तो जो ऑस्ट्रेलिया के ड्राइवर्स हैं उनकी प्रायोरिटीज पूरी तरीके से डिफरेंट है फ्रॉम ड्राइवर्स तो पर पर जो जो यूएस राइड हेलिंग है है अगर वो पीयर टू पीयर सर्विस को इंडिया में इंप्लीमेंट करना चाहता है जो कि इन्होंने ऑस्ट्रेलिया में इंप्लीमेंट किया है तो उसमें इनको कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं करंटली इंडियन रेगुलेशंस कॉल फॉर ड्राइवर्स की उनको यहाँ पर अपनी व्हीकल का कमर्शियल रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा कमर्शियल ड्राइवर का लाइसेंस लेना पड़ेगा उसके बाद यहाँ पर बैकग्राउंड चेक्स होते हैं तो इंडिया में जो लॉज हैं वो बहुत ज्यादा टफ हैं फिर यहां पर यह भी बताया गया है कि ऊबर डज नॉट प्रोवाइड benefits टू द गिग वर्कर्स तो यहां पर गिग वर्कर्स को ऊबर बेनिफिट नहीं प्रोवाइड करता है लेकिन इंडिया में अब गवर्नमेंट लेकर आ रही है सोशल सिक्योरिटी कोड तो कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी में यहाँ पर गिग वर्कर्स को रिकॉगनाइज किया जाएगा एज अ न्यू ऑक्यूपेशनल कैटेगरी जिसमें कोई ट्रेडिशनल इंप्लॉय एम्प्लॉय रिलेशनशिप तो नहीं होगी लेकिन यहां पर कुछ बेनिफिट्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे फॉर एग्जाम्पल लाइफ और डिसेबिलिटी कवर प्रोवाइड करना होगा एक्सीडेंट इंश्योरेंस प्रोवाइड करना होगा हेल्थ एंड मेटर्निटी बेनिफिट प्रोवाइड करना होगा ओल्ड एज प्रोटेक्शन एंड अदर बेनिफिट्स द लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री ये भी सोच रही है कि एक सोशल सिक्योरिटी फंड बनाया जाए जिसमें इन एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म को यह कहा जाए कि जो भी आपके एनुअल टर्न ओवर है उसका वन टू टू परसेंट इसमें कॉन्ट्रीब्यूट करो जो कि यूज किया जाएगा फॉर द वर्कर्स तो दिस टू इंश्योर दट पार्ट टाइम को सोशल सिक्योरिटी फंड बनाया जाए पर, यहाँ पर कुछ लोकेशन इंपोर्टेंट हो जाती है एक पोर्ट है ये क्रेमिया को 2014 में रशिया ने एन कर लिया था फिर यहाँ पर एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है जिसका नाम है पिफ डेनो क्रेंस इससे पहले हमने एक और न्यूक्लियर प्लांट डिस्कस किया था जिसका नाम था जेप्रोजीजिया तो यहाँ पर हम दो न्यूक्लियर पावर प्लांट डिस्कस कर चुके हैं यूक्रेन में फिर यहाँ पर एक सिटी की बात की गई है खेरसन तो ये भी यहाँ पर यूक्रेन में है आई होप आपको सब कुछ यहाँ पर क्लियर हो गया हो इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब थैंक यू एंड अव नाइस डे